स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से भारत दस्तक के ऊपर। ये वीडियो आज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली खबर जो निकलकर आ रही है वो निकलकर आ रही है मायावती जी को लेकर। तो श्री मायावती जी ने, जैसा कि आपको मालूम होगा, शतक मार रही है पेट्रोल की कीमत से। हाँ दोस्तों, शतक मार रही है यानी कि 100 का आंकड़ा छू लिया है पेट्रोल की कीमतों ने कई कई राज्यों में। इसको लेकर मायावती जी ने एक ट्वीट करा है। मायावती जी का कहना है कि जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है हमारे देश में, इससे जो मध्यवर्गीय परिवार है, जो गरीब लोग हैं, उनमें त्राही त्राही मची हुई है। तो बसपा यह मांग करती है कि जल्द से जल्द सरकार, जो भाजपा की सरकार है, इस तरफ ध्यान दे और महंगाई कम करे। मायावती जी ने इस प्रकार का ट्वीट किया हुआ है। तो क्या आप लोग भी चाहते हो देश में पेट्रोल डीजल की जो कीमत है वो कम हो और महंगाई कम हो, या फिर आपको लगता है नहीं, ये जो बीजेपी की सरकार है ये महंगाई नहीं कम करेगी? जो भी है नीचे कमेंट करो। दोस्तों अगली खबर जो निकलकर आ रही है वो निकलकर आ रही है भारत के मशहूर क्रिकेटर युवराज सिंह जी को लेकर। युवराज सिंह अब मुश्किलों में फंसे नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, युवराज सिंह भारत के एक बहुत मशहूर क्रिकेटर है, भारत का कई जगह नेतृत्व कर चुके हैं और 6 बॉल पर जो 6 छक्के मारे थे, जो कि आज तक देखनीय और शोभनीय दृश्य बना हुआ है क्रिकेट प्रेमियों की नजर में। लेकिन दोस्तों 6 बॉल पर 6 छक्के मारने वाले युवराज सिंह के अब छक्के छूट चुके हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि युवराज सिंह के छूट गए हैं छक्के? क्योंकि युवराज सिंह के ऊपर SC ST एक्ट दर्ज हो गया है। किस लिए हुआ है, आइए आपको मैं बताता हूँ। 1 जून 2020 को जब लॉकडाउन चल रहा था, और उस समय की बात कर रहा हूँ लॉकडाउन की, आज से 8-9 महीने पहले की, जब सभी क्रिकेटर्स या सभी सेलिब्रिटी आपस में एक दूसरे से वीडियो कॉलिंग के द्वारा बात कर रहे थे, नेट के द्वारा बात कर रहे थे, तो 1 जून 2020 को युवराज सिंह भी बात कर रहे थे भारत के ओपनर खिलाड़ी जिनका नाम रोहित शर्मा है उनके साथ। तो इस बीच में क्या हुआ, दोनों के बीच में बात चल रही थी योगेंद्र चहल को लेकर। तो युवराज सिंह जी ने योगेंद्र चहल के लिए, जो कि खुद एक भारतीय क्रिकेटर है, एक ऐसा जाति सूचक शब्द इस्तेमाल कर दिया था जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, और जिसको यूज करने पर या किसी को कहने पर मामला दर्ज होता है SC ST एक्ट में। तो दोस्तों इसी कारण युवराज सिंह के ऊपर अभी 8 महीने बाद मामला दर्ज हो गया है, क्योंकि उन्होंने योगेंद्र चहल को लेकर एक जाति सूचक शब्द, जिसे अक्सर लोग गाली के रूप में प्रयोग करते हैं, वो दिया था। तो आप इसको लेकर क्या कहते हो, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगली खबर जो निकल कर आ रही है दोस्तों वो निकल कर आ रही है किसान आंदोलन को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि किसान बिल के खिलाफ हमारे देश के अन्नदाता, हमारे देश के किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार जो किसी अहम में है, जो किसी अमल में है, वो किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। पता नहीं ये शक्ति, इतनी ताकत किस वजह से हमारे देश की जो सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्तारूढ़ सरकार है, उसको मिल रही है, ये समझ में किसी को नहीं आ रहा है। इतना बड़ा, इतना मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा है, तब भी ये सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है, वो अभी तक अड़ी है। लेकिन किसान भी पीछे नहीं हट रहे हैं, वो भी वो जो 3 कानून है उसको वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। अब किसानों का फैसला है कि जो किसान आंदोलन है, जिस प्रकार से गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर हो रहा है, उस प्रकार से पूरे देश में, पूरे देश भर में किसान आंदोलन खड़ा किया जाएगा, और आने वाले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में 40 लाख, सुनिएगा, 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ रैली मार्च निकाला जाएगा। तो ये किसान आंदोलन की एक बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों अगली एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर। जैसा कि आप लोग जानते हो, हरियाणा की खट्टर सरकार ने, बीजेपी सरकार ने नवदीप कौर, जो कि एक दलित एक्टिविस्ट है, उनको पिछले 1 महीने से जेल में बंद रखा है। उन्होंने कोई दंगा नहीं किया, उन्होंने कोई असंवैधानिक कार्य नहीं किया, उन्होंने गरीबों की आवाज उठाई थी, उन्होंने गरीबों की मदद करना चाहा, उनके जो बकाए पैसे थे उनकी मांग करी, इसलिए धरना दिया। बस इसी कारण से जो बीजेपी सरकार है, हरियाणा की खट्टर सरकार है, उन्होंने नवदीप कौर जी को जेल में बंद रखा है। चंद्रशेखर आजाद जी का आज एक बहुत बड़ा ट्वीट आया है। चंद्रशेखर आजाद जी का कहना है कि हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अगर हमारी बहन नवदीप कौर को जेल में बंद रखा गया, तो हम जो हरियाणा के सीएम है, उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी है हरियाणा के सीएम खट्टर जी को कि हम उनको भी चैन से रहने नहीं देंगे, हम उनका घर घेरेंगे, यानी कि उनको घर में बंद करेंगे, उनके घर के बाहर धरना देंगे। और चंद्रशेखर आजाद जी ने यह बड़ी बात बोली है कि इस धरने में वो खुद शामिल रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद जी जब सीएम के घर का घेराव किया जाएगा हरियाणा के, तो उसमें शामिल रहेंगे, ऐसा उन्होंने खुद ट्वीट करा है। और उनका कहना है कि हमारी बहनों के आत्मसम्मान से हम कोई समझौता नहीं करेंगे।
दोस्तों आप लोग इसको लेकर क्या बोलते हो कि आप लोग इस कार्य में चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हो, उनकी मदद करोगे अगर आप हरियाणा से हो या कहीं से भी हो, तो चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हो या नहीं हो नीचे कमेंट करके बताइए। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूले अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट आपके मोबाइल के ऊपर आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।